नमस्कार। देखिए, आज से जो A&M कोर्स की मैंने वीडियो डाली है उसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो एक बार मैं बता दूंगा कि आपको फॉर्म फिल कैसे करवाना है और आपको ये साइबर कैफ़े पर जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगे। तो देखो, इस फॉर्म में फ़िल करते वक्त आपको घर से फिल नहीं करना है, ये RHTC की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर किसी साइबर कैफ़े वाले को नहीं पता तो आप वहाँ पर जाकर बोल सकते हैं कि RHTC नजफगढ़ पर A&M के जो फॉर्म निकले हैं वो फिल कर दो, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होते ये फॉर्म, तो इस पर आप अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से जाना है। सबसे पहले आपको RHTC की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेनी है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये RHTC की ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए, अब आपको यहाँ एक लिंक दिखाई दिया जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर A&M रजिस्ट्रेशन 2022-2024। कभी ये दिखाई दे रहा है, कभी नहीं, तो आप इसको रिफ़्रेश करके आप दोबारा देख सकते हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना है, इसको हम कर लेते हैं। फिर यहाँ ऑप्शन आएगा एडमिशन नोटिस, तो एडमिशन नोटिस पे आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ नीचे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि किस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं। तो चलिए मैं नीचे अप्लाई एप्लीकेशन पर क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए क्या क्या होगा। तो देखो मैं बता देता हूँ, सबसे पहला ऑप्शन है बेसिक डिटेल, तो आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हो, और आपका अपना एड्रेस एड्रेस डोमिसाइल में सिर्फ आप दिल्ली मेंशन कर सकते हैं, अपना पिन कोड और ईमेल आईडी। लेकिन आपको जब फिल करे तो आपको ध्यान दे लेना है कि हमारे नाम की स्पेलिंग या हमारा फ़ोन नंबर या हमारा एड्रेस गलत ना हो, ताकि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आपको सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेकेंड ऑप्शन पर आप तभी क्लिक कर पाएंगे जब आप नेक्स्ट इस डिटेल को फिल कर देते हैं। मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि क्या क्या चाहिए आपको। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको फिल करना है कि मैंने 10th यहाँ से की है, 12th यहाँ से की है, इस तरीके से। नेक्स्ट आएगा आपका अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। फ़ोटो एंड सिग्नेचर, आपको एक फ़ोटो ले जाना है पासपोर्ट साइज़ का, है वो स्कैन किया जाएगा वहीं पर मतलब स्कैनर में, साइबर कैफ़े वाले स्कैन करके और आपका सिग्नेचर करवा के वो अपलोड कर देंगे, उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आएगा आपका अपलोड अदर डॉक्यूमेंट, आपको अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने, क्या क्या अपलोड करने हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से, जो जो डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने थे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर मैंने आपको बता दिया, उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, अभी आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना आपको। अगर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो तो वो ले जा सकते हैं। अगर आप दोनों ही नहीं, आपके पास ना करेक्टर ना डोमिसाइल, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनने में टाइम लग जाता है, क्योंकि वो कोर्ट से बनता है, जबकि आप करेक्टर सर्टिफिकेट एक ही दिन में घूमकर बनवा सकते हैं। उसके बाद अगर आप SC ST OBC से, इनसे कैटेगरी से बिलोंग करते तो वो सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट अगर आप 12th क्लास में अभी एग्ज़ाम दिए हैं। तो ये चीज़ आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखने, एक बार फिर मैं बता देता हूँ, आधार कार्ड सबके पास होता है, 10th 12th सबके पास है, ये मेन यही करेक्टर डोमिसाइल है, अगर आपके पास एक है तो फिलहाल अभी के लिए चल जाएगा, कोई एक अपलोड करना है, चाहे करेक्टर करो चाहे डोमिसाइल करो, ठीक है। और उसके बाद SC ST और 12th करके फिर आपका प्रीव्यू दिखाएगा, प्रीव्यू का मतलब होता है कि भाई आप इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट कर अपना फीस करवा कर अपने फॉर्म को सबमिट करा कर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, आपको प्रिंट आउट ध्यान से रखना है, एडमिट कार्ड में वही काम आएगा। चलिए थैंक यू, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं।